हे गाइस, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। डिलीवरी के तुरंत बाद काम पर लौटे भारती सिंह का छलका दर्द। भारती सिंह ने हाल ही में अपने टीवी शो हुनरबाज देश की शान की शूटिंग डिलीवरी के 11 दिन बाद फिर से शुरू कर दी। कॉमेडियन ने 3 अप्रैल को एक बेटी को जन्म दिया और फैंस ने भारती की प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को देखते हुए डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही काम शुरू करने पर उनकी खूब तारीफें की थी। हालांकि मीडिया के सामने भारती का दर्द छलकाया, उन्होंने बताया कि और बाकी रही बात बेबी की, लोग बहुत बोलते हैं बेबी को छोड़ के आ गए, वो छोटा है ना, बिल्कुल भी नहीं। बेबी अभी भी, मैं बेबी को फीडिंग कराती हूँ और वो मेरा ही दूध पीता है और घर में इतने सारे लोग हैं, दादी, नानी, बुआ, मासियाँ, तो बच्चा सुबह से लेकर शाम के बाद मेरे हाथ में आता है। तो मैंने बोला भी शूट करके जाती हूँ, शाम को ही लूँगी, और बच्चा बहुत खुश है और सब लोग उसके साथ हैं, हमसे ज़्यादा उसके साथ घर में भी है अभी, और बहुत ही मस्ती में, इंजॉय में है। बहुत जल्दी आपको बच्चा भी दिखाएंगे हमारा। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। अनुपमा की प्रीक्वल में इस एक्टर की हुई एंट्री। स्टार प्लस के शो अनुपमा का जल्द ही प्रीक्वल आने वाला है, जिसका नाम है नमस्ते अमेरिका अनुपमा। शो में कौन कौन से स्टार्स नजर आएंगे, ये खबर खूब सामने आ रही है। अब खबर सामने आई है कि सरिता जोशी, पूजा बनर्जी के बाद अब शो में अनुज का किरदार निभा रहे एक्टर गौरव खन्ना की एंट्री भी हो चुकी है। टीवी कतर का, तीसरी टॉप न्यूज। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह बनी माँ, बेटे का किया वेलकम। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह और पति सुयश रावत ने एक बच्चे का स्वागत किया है। एक्ट्रेस को एक बेबी बॉय का आशीर्वाद मिला है। बच्चे के बारे में अभी और जानकारी तो सामने नहीं आई है। हालांकि फैंस इंतजार कर रहे हैं कि मोहिना कब ये खुशखबरी ऑफिशियली तौर पर अपने फैंस को देंगी। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। टीवी प्रोड्यूसर मंजू सिंह का हुआ निधन। एक्ट्रेस और टीवी प्रोड्यूसर मंजू सिंह का निधन हो गया है। 73 साल की मंजू सिंह ने फिल्म गोलमाल में काम किया था। आपको बता दें कि उन्होंने स्वराज, एक कहानी, शो टाइम जैसे शो को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा वो बच्चों के शो खेल खिलाड़ी की एंकर भी रह चुकी हैं। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। लॉकअप में हुई बिग बॉस के इस विनर की एंट्री। हाल ही में लॉकअप में बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला की एंट्री हुई है। प्रिंस की एंट्री के बाद से शो काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है। जहां कुछ कैदियों को प्रिंस काफी पसंद आ रहे हैं, तो कुछ को प्रिंस काफी खटकने भी लगे हैं। हालांकि अब देखना ये है कि प्रिंस आगे शो की गेम को कैसे बदल कर रखते हैं। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। पापा बने पांडे स्टोर के देव। पांडे स्टोर में देव का किरदार निभा रहे एक्टर अक्षय खरोजिया के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अक्षय पिता बन गए हैं और अक्षय खरोजिया की पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। टीवी का तड़का, सातवीं आखिरी टॉप न्यूज। करणवीर पर मदाना के खुलासे पर भड़की वाइफ डीजे अब सामने आकर बचाव में कही ये बात। हाल ही के एक एपिसोड में जिशान ने करणवीर से कहा था कि मदाना ने दावा किया कि वो उनको घर पर स्क्रिप्ट पढ़ने के बहाने बुलाते थे और वो कभी भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें करणवीर पर भरोसा नहीं है। मदाना के बयानों का जवाब देते हुए अब करणवीर की पत्नी टीजे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मदाना ना तो उनकी करीबी दोस्त है और ना ही करणवीर की, वो सिर्फ 2020 में मिले थे, जिसने पूरे #MeToo आंदोलन के दौरान अनुराग कश्यप का समर्थन किया और अपने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन करते हुए एक लंबा पत्र लिखा, और अब वो सिर्फ वाइब के आधार पर केवी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि जिस शक्ति के लिए हम लड़ रहे थे, उसका शोषण महिलाएं कर रही हैं, और अब वो क्या कर रही है, ये उसे किस तरह की महिला बनाती है। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।